अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बात करते हैं इस वीडियो में ऐसी पांच एक्ट्रेस के बारे में जिन्हें लिबास की बहुत ज़्यादा तमीज़ है। क्योंकि मैं बात करती हूँ ड्रेसिंग की तमीज़ की, तो आपने ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेस देखी होंगी जिनको बस मौका चाहिए होता है अपनी बॉडी को एक्सपोज करने का। अगर इनको कोई ऐसा रोल मिल जाए जहाँ पर आपने थोड़ा सा मॉडल किस्म का ड्रेस वेयर करना है, तो इनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज होती है। तो ये हैं वो पाँच ड्रेसिंग्स हैं जिनको आप अक्सर ऐसा रोल भी मिला हो तो बहुत ही अच्छे से ड्रेसिंग करती हैं, बहुत ही मेंटेन किस्म की ड्रेसिंग होती है। बाकी एक्ट्रेस को भी इनसे कुछ सीखना चाहिए। तो बात करते हैं ऐसी पांच एक्ट्रेस के बारे में जिन्हें ड्रेसिंग की बहुत ही ज़्यादा तमीज़ है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुँच सके। तो नंबर फिफ्थ पर बात करते हैं अदाकारा इमरान खान की। इमरान खान ने ऐसे बहुत सारे ड्रामास किए हैं और इनको कुछ ऐसे ड्रामास में रोल भी मिले थे जहाँ पर कह लें कि ड्रेसिंग को इस तरह रखना था कि आप थोड़ा सा मॉडल लगे, लेकिन फिर भी इन्होंने जिस तरह की ड्रेसिंग की बहुत ही अच्छी थी, ना कि इनकी बॉडी एक्सपोज हो रही थी और ना ही ये भीड़ किस्म की ड्रेसिंग थी। हमेशा से इन्होंने अपने एक्टिंग को, ड्रेसिंग को बहुत अच्छे से मेनटेन किया है। अगर बात की जाए इनकी बहन मीनाल खान की, तो मीनाल खान जो है थोड़ा सा कह लें कि इनको ऐसा रोल मिला कि आप थोड़ा सा अपने आप को प्रेजेंट करें इस तरह से कि हाँ भाई लड़की थोड़ी सी मॉडल है, वो थोड़ा बहुत जगह पर एक्सपोज हो रही होती हैं। तो ये बात बहुत डिपेंड करती है अपने आप पर कि आपको कैसा रोल मिला है और आपने ड्रेसिंग किस किस्म की करनी है। तो नंबर फोर पर बात करते हैं जो एक्ट्रेस हमारे पास आती हैं, इनका नेम है यमुना जैदी। यमुना जैदी ने आप काफ़ी अच्छे से ड्रेसिंग अवे की है और बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट हुई हैं। हमेशा से कभी भी इनका कोई ऐसा ड्रामा नहीं देखा जहाँ पर इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रही हो या फिर इन्होंने बहुत ही बेहुदा किस्म की ड्रेसिंग की हो। हमेशा से ही अच्छे ड्रेसिंग वे में होती हैं, अपने आप को प्रेजेंट करती हैं। नंबर थर्ड पर जो एक्ट्रेस आती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट हैं और मैंने इनके जितने भी अब तक के ड्रामास देखे हैं, जो भी मेरी नज़र से गुजरे हैं, कहने के इनके ड्रेसिंग और नहीं होती। और इनका नाम है सारा खान। सारा खान के जितने भी ड्रामास आए हैं, अब जो ख़त्म हुआ है ड्रामा नमक हराम, बहुत ही अच्छे किस्म का ड्रामा था और इनमें बहुत ही मोर लड़की को दिखाना था, तो कह लें कि आप ऐसी दिखाई नहीं दी कि इनकी बॉडी एक्सपोज हो रही हो। तो ये सब कुछ अपने आप पर ही डिपेंड होता है कि आपने ये सब कुछ कैसे मेंटेन करना है, कैसे ड्रेसिंग सेंस को मेंटेन करना है, सब कैसे खुद को कैमरे के सामने प्रेजेंट करना है। नंबर सेकेंड पर बात कर लेते हैं, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने बहुत सारे ड्रामास के अंदर काम किया और मैंने कभी भी इनको किसी ड्रामे के अंदर ऐसे नहीं देखा कि भाई कह लें कि ये ड्रेसिंग इनकी बेहुदा थी, काफ़ी अच्छी ड्रेसिंग में होती है। इनका नाम है आयशा खान और कुछ इनके ड्रामास ऐसे थे, मतलब मेरे पास तुम हो, यारियां मूवी जैसे कि आप कह सकते हैं कि इसमें इनकी ड्रेसिंग जो है वो थोड़ी सी बेहुदा हो सकती थी, लेकिन इन्होंने नहीं की, हमेशा से अपने आप को अच्छे ड्रेसिंग वे में रखा है, कोई भी इन पर उंगली नहीं उठा सकता। बहुत ही अच्छी टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं पाकिस्तानी शोबीज इंडस्ट्री के लिए। तो अब बात कर लेते हैं नंबर फर्स्ट पर जो एक्ट्रेस आती हैं, इनको हमेशा से ही प्रेजेंट तरीके से देखा गया है, पाकिस्तानी कल्चर को काफ़ी अच्छे से ही प्रोमिनेंट करती हैं। इनका नाम है हिबा भारी। हिबा भारी के मैंने जितने भी ड्रामास देखे हैं वहाँ पर आप इन्होंने शलवार कमीज़ के अंदर ही ड्रेसिंग की हुई है और ये बिल्कुल टिपिकल पाकिस्तानी लड़की लगती है और लगना भी चाहिए। इनकी ये क्वालिटी है कि ये अपने आप को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करती हैं, मेरे ख्याल से हमें इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो ये हैं मेरे अकॉर्डिंग पांच ऐसे ड्रामे जिनके बहुत ही अच्छी ड्रेसिंग होती है और ड्रेसिंग सेंस भी है इनको। तो आपके ख्याल में ऐसी कौन सी एक्ट्रेस हैं जिनका इस लिस्ट में मैंने जिक्र नहीं किया? आपके जो भी थाट्स या ओपिनियंस हैं इन एक्ट्रेस को लेकर आपने हमें कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताना है। सो इसके अलावा आप लोगों को मेडल ऑफ थैंक्स कि आपने मेरी वीडियो को देखा और सुना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ, आपके लिए बड़ा बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।